गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जो हमने चैप्टर पढ़ा था कौन सा? फ्लाइंग टुगेदर। तो उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यस सर। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डिड द गीज लिव? इसका मतलब है कि जो बत्तखें थे वो कहाँ रहते थे? तो क्या आंसर होगा इसका? द गीज लाइड ऑन द लिव ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। हाँ, द गीज लिव्ड ऑन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? कि जो ओल्ड बर्ड थी उसने जो वो क्रीपर था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों बोला होगा? द ओल्ड बर्ड एडवाइज अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट वुड हेल्प द हंटर टू क्लाइंब द ट्री। क्योंकि इससे क्या हो सकता था कि कोई भी हंटर आके या कोई भी शिकारी आके पेड़ पर चढ़ सकता था। इट कुड हेल्प एनी हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? जो गीज थे, जो बतकें थे, उन्होंने हेल्प हेल्प क्यों चिल्लाना शुरू किया? द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। क्योंकि वो क्या हो गए थे, वहां पर फंस गए थे। What did the hunter do when he thought that the geese were dead? Hunter ने क्या किया जब उसे लगा कि जो बतखें थे वो मरी हुई हैं? He threw them out of the net one by one. हाँ, तो उसने क्या किया, उनको एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। He threw the geese one by one on the ground. फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि why did the geese pretend to be dead? जो गीज थे उन्होंने क्यों बहाना बनाया कि वो मरे हुए हैं? हाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अगर मरे हुए दिखाएंगे अपने आप को तो क्या हो जाएगा, जो हंटर है वो हमको छोड़ देगा और हम बच जाएंगे। ठीक है। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिडंट डू योर वर्क ऑन टाइम। वो बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसा इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है जबकि आप फंस गए हों और आपको किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए बुलाना पड़ा हो। तो ऐसी कोई इंसिडेंट आप लिख सकते हो, जैसे कि सर मैं एक बार कुएं में गिरा था, तभी सामने था। हाँ, तो जैसे कि आप कभी गिर गए हो और आप पे ज्यादा चोट लग गई तो फिर आप उठ नहीं सकते हो, तो फिर आप किसी दूसरे को हेल्प के लिए अपनी बुलाओगे। ओके, अब देखो जी दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वो बोल रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द ट्री वाज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। फॉल्स। हाँ, क्योंकि वहां कौन रहते थे? चिड़िया, गीज रहते थे ना, पैरट्स तो नहीं रहते थे। तो ये हमारा क्या? फॉल्स। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। ट्रू। सच है ना ये? वाइज ओल्ड बर्ड चाहते थे कि जो क्रीपर है वहां पर से क्या हो जाए, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। The hunter climbed the tree with the help of a ladder. False. हाँ, कैसे चढ़ा था वो? बेल की सहायता से, क्रीपर से चढ़ा था वो, ना कि लैडर से। लैडर मतलब सीढ़ी। सीढ़ी, वेरी गुड। When caught in the net, the foolish birds began to weep. True. रोने लगे थे ना वो चिड़िया। Yes, फिफ्थ क्वेश्चन है, The wise old bird helped them to escape. True. हाँ, क्या होता था, क्या हुआ था कि जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने उनको बचने में क्या की थी? सहायता करी थी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखो जी नेक्स्ट है हम पे, एक स्टोरी है हम पे, द आंट एंड द डव। तो पहले हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं कि ऑन हिज वे होम एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन, ही क्राउड ऑन इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। जब रास्ते में, जब एक आंट वापस आ रही थी अपने घर, तो उसने देखा कि रास्ते में क्या है, एक फव्वारा चल रहा है। फवारा देखा है आपने, फाउंटेन? ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं देख लेती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे ही वो उसकी दीवार पे चढ़ी और उसकी जो वॉल्स थी उसकी वॉल्स पे क्या हो गई, बैठ गई। सडनली ही स्लिप एंड फेल इनटू द वाटर। तो तभी क्या हुआ कि अचानक से वो स्लिप हुई और उस पानी में गिर गई। ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, हेल्प आई कांट स्विम ही क्राइड। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट ए फ्रेंडली डव flew by, she saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. तो क्या हुआ, जब वो पानी में गिर गई तो उसने अपने पांव ऊपर उठाए और चिल्लाने लगी कि मेरी मदद करो और मुझे तैरना नहीं आता है। तभी क्या हो रहा था, एक बर्ड, हाँ, एक डव को बोलते हैं हिंदी में फाख्ता।
तो एक डव क्या हो रहा था, वहां से उड़ रहा था, तो उसने देखा कि एक चींटी पानी में डूब रही है, तो वह तुरंत ही एक पेड़ पर गई और वहां से एक पत्ता क्या होगा तोड़ के लेके आई। She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she cooed and flew away. तो उसने एक पत्ता तोड़ा और पानी में फेंक दिया और उसने बोला कि ये लो एक पत्ता है और इस पत्ते में बैठ के आप क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर निकल जाओ। क्लियर है? तो आप देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प्ड द आंट। तुम्हें क्यों लगता है कि जो डव है उसने आंट की हेल्प की होगी? आई थिंक द डव हेल्प्ड द आंट बिकॉज़ हाँ, क्योंकि वो जो आंट थी वो क्या थी, बहुत ही फ्रेंडली थी, इसलिए उसने सोचा कि हम इसकी हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब चींटी को वो पत्ता मिला होगा तो उसने क्या सोचा होगा? द आंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी। तो बहुत खुश आंट क्या हो गई, बहुत ही खुश हो गई होगी कि चलो मुझे एक पत्ता मिल गया बचने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, Have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? वो बोल रहे हैं कि क्या चींटी की तरह कभी तुम्हें भी कोई परेशानी हुई और किसी ने तुम्हारी मदद की है? Once I fell down from my bicycle and could not stood up, so the nearby people helped me to search for home. हाँ, तो क्या हुआ था कि जैसे आप बोल रहे हो कि आपको, आप कभी बाइसिकल से गिर गए थे और आप क्या हो रहे हो, आप इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि आप उठ नहीं पा रहे थे, तो तब जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने आपकी हेल्प की उठने में, ठीक है, और वो आपको कहाँ लेके गए, घर। क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये यहाँ देखो, हमने ये पहले सॉल्व कर रखे हैं ये, तो यहाँ पर आपको देखते देखो कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे देखो वेयर है, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन और व्हाई, ठीक है, तो आपको इनसे मिला के क्या बनाने हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे देखो आई प्ले गेम्स, मैं क्या खेलता हूँ, गेम्स खेलता हूँ, तो वहां पर क्या बना दोगे आप, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो, तो तब आंसर क्या हो जाएगा कि मैं क्या खेलता हूँ, गेम्स। दूसरा है आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ, What do you collect? What do you collect? कि आप क्या collect करते हो? फिर है I play in the ground. Where do you play? Where do you play? आप कहाँ खेलते हो? On Sunday I go shopping. When do you go for shopping? ठीक है, कि आप shopping के लिए कब जाते हो? Clear है? Yes sir. अब देखो इसमें कुछ questions हैं, उस questions के आपको answer बताने हैं। एक बच्चा बताएगा answer, ठीक है? Answer these questions about yourself. What is your name? My name is Mayank. Very good. Second question is, what languages do you speak? Kaun-kaun-si languages? I speak Hindi and Garhwali. Very good. I speak Hindi and Garhwali. How old are you? I am 10 years old. I am 10 years old. Which is your favorite food? My favorite food is ladyfinger. Very good. ठीक है? फिर है, Where did you go yesterday? आप कल कहाँ? I went for play yesterday. हाँ, आप कहाँ गए थे? खेलने के लिए गए थे. Which country do you belong to? I belong to भारत. हाँ, आप भारत में रहते हो. When do you go to sleep? I go to sleep at 10 p.m. Very good. Why do you drink milk? Milk. I drink milk for energy. हाँ, ठीक है. क्यों पीते हैं हम दूध? एनर्जी के लिए, और वो कैल्शियम का भी क्या होता है, एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को कैल्शियम चाहिए होता है ना, बोन्स को, तो हड्डियां मजबूत होती है दूध पी के, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर।